राधेश्याम मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नई डे के अंदर। और आज है 13 जुलाई 2024, मीन्स हमारा चैलेंज का डे 13। और आज है विश्व भैया का बर्थडे। आप लोगों ने शायद थंबनेल में देखा भी होगा, ठीक है, अगर मैंने कोई क्लिप वगैरह लगाई, मतलब पिक वगैरह लगाई होगी तो। एंड आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं, आज हमारा लेग डे है, आज सैटरडे है। एंड अब हम जाएंगे मंदिर। सुबह सुबह नहीं उठे, मैं उठा था भाई करेक्ट 8 बजे आँख खुली। उसके बाद मैं फिर उसके बाद विश्व भैया से बात वगैरह करी थोड़ी देर, फिर अपनी ओटमील बनाई, फिर अपनी बाइक वगैरह साफ करी, फिर ब्रश वगैरह किया, फिर नहाने गया, फिर नहा के आया। और करते करते ओटमील बन गई थी, मैंने इसमें केले और हरी सिर्फ डाला, क्योंकि वो सब मैं आगे पहले से डाल देता हूँ, और ये सब अभी डाला। और अब करते करते पता कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज गए, मैं ये खा रहा हूँ। कोई नहीं, मैं जिम चले जाऊँगा 10-15, 10-20 तक, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी लेग डे है, वो तो मेरे को बताया कौन कौन सी एक्सरसाइज माननी है। वैसे भैया आ गए होंगे शानू में शायद, आज कल वो भी लेट आए थे, मतलब लेट आए गए कल, वो भी ये सोच रहे थे शाम में आऊँगा, सुबह नहीं आए, और फिर उसके बाद शाम में भी नहीं आए। पर कोई बात नहीं, चलो जैसा भी है देखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ये खाते पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं जिम की तरफ। ओके गाइस, बाय बाय। गाइस भाई, मैंने आप लोग देखा, मैं जिम आ गया था, फिर उनका फ़ोन आया तो उनको लेने के लिए चले गए थे वापस, और मैं अपना मिठाई का डब्बा भी लेके चला गया। अब आ गए वापस से हम जिम। गाइज हम लोग आ चुके हैं घर, और हमारी डाइट हो गई चालू। मेरे को खाने आज 8 लड्डू, 4 कचौड़ी, 4 मिठाई की कचौड़ी, और ये पूरी जो क्या कहते हैं इसे, हम जो भी कहते हैं, भूल गया मैं, बहुत टाइम से हमारे यहाँ पे शादी नहीं हुई ना, इसकी सब बच्चे थे यार, अब धीरे धीरे सब बड़े हुए हैं। अब जब शादियाँ होंगी ना, इकट्ठी होंगी, इतनी शादी होंगी किसी ने सोची ना होगी, ऐसे वाले टाइप हो जाएगा। फिलहाल भाई अभी हम लोग गए थे जिम से, देखो कितना टाइम हो रहा है, देखो 1 बजे आया। हाँ हाँ, जिम से आए हैं हम लोग, और अभी अभी गए थे हम लोग कवर वगैरह लेने के लिए। शानू भैया के फ़ोन का कवर मिला ही नहीं, फिर टेम्पर चढ़वा लिया, मेरे फ़ोन का भी आज टेम्पर जिम में टूट गया। अब मैं देखूंगा, मेरा एक दोस्त है उससे मैं टेम्पर चढ़वाता हूँ, उसमें टेम्पर के ऊपर जैसे एक टेम्पर होता है और टेम्पर की बाउंड्रीज होती हैं बहुत मोटी मोटी, तो अगर फ़ोन उसके उस पर गिरता है ना तो टेम्पर भी नहीं टूटता, वो बाउंड्री झेल लेती है, बाउंड्री मेरी टूट गई, बाउंड्री टूटी, टेम्पर तो अभी टूटा भी नहीं है। तो क्या कहते हैं उसे, अब मैं उससे पूछूंगा, अगर वो लगा देगा तो सही है, अगर उस पर नहीं मिला या उसने वो सब काम वाम बंद कर दिया होगा टेम्पर वेम्पर का, तो फिर देखते हैं, फिर कहीं और से लगवाएंगे। लगवाना तो है ही भैया, अब जब तक कुछ महीने की बात है, फिर देखो भगवान की वजह से एक ना एक फ़ोन लेंगे, नया आईफोन। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे अपना और यूट्यूब से पेमेंट आ गई तो ले लेंगे, सब आप पे। अगर आप चाहते हो कि मैं नया फ़ोन लूँ तो प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि आपको कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी दिखे और मज़ा आ जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़ 4 times a day। डाइट है आपकी, जैसे मेरी डाइट है ना, ऐसी आपकी डाइट है, ठीक है गाइस। अभी मैं खाता हूँ, मम्मी ना आलू के पराठे में सुबह बनवा लेते हैं मम्मी, क्योंकि देखो मैं घर पे आता, मैं खाता आलू या दही। अब आलू के पराठे कल सुबह खाए थे तो आलू की पिट्टी थी, अभी हम लोगों ने दिन में तो दाल चावल खा लिए, उससे हम लोगों ने मतलब दोपहर में मैंने दाल चावल बना लिया, तो वो हमने खा के एडजस्ट हो गए, दाल चावल हो गए रात में खत्म। और जिनने मेरा कल के ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा, और अभी आलू की पिट्टी बची थी, मैंने बोला मम्मी 2 पराठे बना दो, मम्मी ने बना दिए हैं, मतलब मम्मी उन्हें गर्म करनी है, थोड़े से गर्म करके फिर मेरे को देंगी, क्योंकि मैंने सुबह ही बना दिए थे, सुबह ही मेरे को बात हुई थी तभी, तो मैं वो गर्म कर लेता हूँ, और दही के साथ पराठे खा लेंगे, डाइट हो जाएगी कम्प्लीट। और वैसे भी 1 बज चुके हैं, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 4, 5 बजे करीब मैं शेक पी लूँगा, क्योंकि उसके बाद शायद मैं निकल जाऊँगा CP अपनी रानी से अपनी दीदी को लेने के लिए, और फिर वहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग विशु भैया के यहाँ पे, बिकॉज आज है विशु भैया का बर्थडे, मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था। और हो सकता है कि मैं CP ना जाऊं, पर फिर भी मैं 5 बजे तक शेक पी लूंगा, क्योंकि मैं अभी खाना खा लूंगा, फिर डायरेक्ट 4-5 बजे तक शेक पी लूंगा, और फिर उसके बाद वहीं जाके फिर खाएंगे पियेंगे जो भी करेंगे, और बस वही सब आपको देखने को मिल ही जाएगा आगे ब्लॉग में। तो बने रहो ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी बहुत देर में। तो गाइस कितना टाइम, देर कितना टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं ना,
शाम के 5 बज रहे हैं, फोन बज रहे हैं अभी, फोन पे 5 हो रहे हैं। देव शर्मा, इन द हाउस, इन द हाउस, इन द हाउस। 5-7 हो रहा है, 5-7 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। देखो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने यहाँ पे बी ब्लॉक, जहाँ डेरी वेरी है, जहाँ गाय वाये हम लाए उपलों लेने के लिए। और वो देखो, तो देखो सूखे उपलों में से निकाल रहे हैं भाई, मतलब भाई उपले चाहिए भले कितने के भी दो, पर सूखे दो बस। तो सूखे उपले ले रहे हैं, बिकॉज वी सुबह का बर्थडे है तो वहाँ को पहुँचना है ना, इसलिए लेके जाएंगे। और जैसे ही मैं घर से निकला, दीदी आ गई ऑफिस जल्दी आज, बस मेरे को यहाँ से रेडी, घर जाऊँगा, रेडी होऊंगा, निकल जाऊँगा दीदी के साथ। और मैं पता कब सोया था, मैं दोपहर में सोया हूँ 2 बजे, और अब उठाऊँ 5 बजे, 3 घंटे का। तो उसमें बीच में मैं कभी किसी का फोन आ रहा, कभी किसी का फोन आ रहा, तो 2-2.5 घंटे सो लिया मैं, सही है। पर एडिटिंग पेडिटिंग कुछ ना हो पाई। ये देखो भाई भर तो रहे हो पहले भाई, बस सूखे ही भरना। अब फिर निकल रहे हैं भाई, घर जाके सोच रहा हूँ शेक पीऊँगा पहले, उसके बाद ही निकलूँगा, क्योंकि वहाँ तो खाना रात में खाएंगे, अभी वैसे भी क्या ही खाएंगे। अब देखो जैसा भी होता है, हमारी रानी चल रही खूब 135 आज चल लेगी, कम से कम आते टाइम आ जाएंगे, कम से कम हम लोग 160 पे। गाइज हम लोग घर आ गए हैं, और देखो मैंने ये पहना है अभी, मेरे पे रखी हुई थी नई की नई, और ये मैंने काफ़ी कम बार पहनी है, मतलब पहनी तो है पर काफ़ी कम बार मेरे पे न्यू के अंदर। बस अब ये बची है जिसका साइज़ XL है, तो मैं बाद में फिटिंग कराऊंगा, अभी जब मेरा चैलेंज कम आएगा ना उसके बाद, हो सकता है उसका साइज़ गेन हो जाए, तो इसकी वजह से फिटिंग इतनी ज़्यादा कराने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी आजकल सब डेली पहनते हैं। बाकी देखो ये सब इसके अंदर, ये भी नया है और ये भी नया है, बस इतना बचा मेरे पे नया, बाकी हमने दिया था। और ये टी शर्ट नहीं है, नए मेरे कपड़े ऊपर है, बाकी मेरे कपड़े नहाने नीचे हैं, मैंने नीचे से निकाली, मैंने पहन के देखा कि इसका सही लग रही है, दीदी ने बताया हाँ सही लग रही है, तो ये हम लोगों ने पहन ली है। अब मैं इसे प्रेस करूँगा दोनों को और पहन लूँगा, हैंकी निकाल लेता हूँ, ठीक है गाइस। और बाकी शेक देखो, शेक रेडी हो चुका है, मैंने जल्दी जल्दी से आके मंदिर से शेक रेडी कर लिया। अब मैं बस एक बार इसे ग्राइंड करता हूँ, चलता हूँ, पीता हूँ, उसे प्रेस करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ और निकलता हूँ। बुआ के यहाँ पे इन लोगों ने हमें घर नहीं जान दिया, ओए इन लोगों ने हमें घर नहीं जान दिया, दैट्स व्हाई हम लोग वहीं रुक गए। हा हा हा, अब कल जाएंगे, आज सुबह सुबह निकल जाऊँगा 8:30। A few moments later, guys, all people's eating ice cream, इस घर को चलाने की पावर जिसको मिलती है, watching your big boss, वो है सना मकबूल। पहली सना मकबूल पहली कप्तान बनती है मेरी ओर से तो गू खाओ। गाइस हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, है नाक पे लग रही है, अगले आदेश तक। तो गाइस आज हम खा रहे हैं आइसक्रीम बड़े दिनों बाद आकाश भाई की तरफ से, थैंक यू सो मच भैया। अरे ठीक है, तो बिग बॉस देखते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, एंड मिलते हैं आप लोग को कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, बाय बाय।